तो गाइस क्या करें, रिव्यू करें इसका, नॉइस फिट बज राइट। तो मेरे पास ये वॉच है ऑलरेडी यरी, और इस पर मैंने अपना वॉच फेस भी लगा रखा है। इसकी मैं ब्राइटनेस आपको करके दिखाता हूँ, अच्छी खासी ब्राइट हो जाती है। तो बिना किसी तरीके इसके रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर ऑल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अमेजिंग रील डालते रहते हैं। अभी ये आपको 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है, तो ग्रैब कर लो। फ्लिपकार्ट पे सेल पे है ये ऑलरेडी, और इसको आप ग्रैब कर सकते हो। बट यहाँ पे जो फीचर्स एंड फंक्शंस हैं आपको ज़बरदस्त मिलते हैं। और कैसे मिलते हैं, चलिए चलते हैं अपनी डीप डाउन रिव्यू में। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फीचर्स जानते हैं। उससे पहले यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में बताना चाहता हूँ आप सभी को, बहुत अच्छी है इसकी। और मेटल की फ्रेम मिलता है आपको, एक रिंग मिल जाती है ऊपर की साइड से, और इसका जो स्ट्रैप की क्वालिटी है मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगी। डेडिकेटेड सेंसर मिल जाते हैं यहाँ पे, नॉइस की ब्रांडिंग भी है आपको ओवरऑल। और उसी के साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग के लिए मैग्नेटिक ये जो पिन्स हैं वो मिल जाती हैं। तो क्वालिटी वाइज मैं कहना चाहूँगा अंडर 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में 10/10 में देना चाहूँगा इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, IPS डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे थोड़ी सी फ्लिकर कर रही है, वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्राइटनेस लो पे थोड़ी सी फ्लिकर कर रही है, इस पे कैमरे पे कर रही है, वैसे रियल में आपको नहीं दिखेगा। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, फंक्शंस की बात करें, तो यहाँ पे बटन को टैप करते हैं यहाँ पे ऑन हो जाती है, और ये डिफ़ॉल्ट वॉच फेस है। और वॉच फेस को चेंज करना है आपको यहाँ पे टैप करके रखना है, और यहाँ पे आपको कुछ वॉच फेस मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट ये वॉच लग रही है, देख सकते हो आप राइट, यहाँ पे इस तरीके से ये मिल जाता है, बहुत अच्छा है। और फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ऊपर की साइड से स्वाइप करते तो यहाँ पे टॉगल मेन्यू मिल जाता है। यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, कम करता हूँ, और फुल अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्राइट हो जाती है वॉच ये राइट। तो बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो हम यहाँ पे कम कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, वाइब्रेशन ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है यहाँ पे, बज मोड मतलब कॉलिंग आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है यहाँ पे, DND मोड मिल जाता है यहाँ पे, ब्राइटनेस कंट्रोल यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे डेट और टाइम दिखाता है और बैटरी कितनी है वो बताता है। यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में ब्राइटनेस लेवल से QR कोड है, पावर ऑफ है, रीसेट है, अबाउट है, और दैट्स इट, और कुछ चीज़ें नहीं मिलती। बैक करते हैं, यहाँ पे टॉगल पे आ चुके हैं, होम पे जाना है, टैप करना है आपको, बहुत ही टैक्टाइल फीडबैक है देखो राइट। नीचे की साइड से स्वाइप करो तो यहाँ पे पूरा मेन्यू मिल जाता है, मेन्यू के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले और चीज़ देखते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आपको फ़ोन मेन्यू मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, और नोटिफिकेशन एक्सेस है और शेड्यूल राइट। तो फ़ोन मेन्यू अभी हम कनेक्ट करेंगे तब हम बताएंगे कैसे काम करता है ये। और राइट साइड में करते हैं तो यहाँ पे फ़ोन मेन्यू मिल जाता है, कॉल हिस्ट्री है, डायलर है, और डायलर में आप प्रॉपरली नंबर को डायल कर सकते हो, इसके बारे में अभी बात करेंगे। और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एक्सेस है, और यहाँ पे आपको शेड्यूल का ऑप्शन है। तो हम वापस से टाइप करते हैं, होम पे आते हैं, यहाँ पे राइट साइड में स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाते हैं, कुछ स्टेप्स काउंट है, स्लीप मॉनिटर है, और HR मॉनिटर मिल जाता है, और वेदर नोटिफिकेशन है, म्यूज़िक ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, और यहाँ पे स्कैन टू डाउनलोड ये मिल जाती है एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे होम पे आते हैं वापस से। अब गाइज यहाँ पे फीचर्स एंड फंक्शंस की बात करते हैं सारे के सारे, फिर मैं फ़ोन के साथ कनेक्ट करूँगा इसको। नीचे की साइड से स्वाइप करते हैं आपको ये पूरा का पूरा रोटेटिंग मेन्यू मिल जाता है, तो अच्छा खासा यहाँ पे फ्लूइड मिल जाता है। और हेल्थ डाटा में जाते हैं तो यहाँ पे हेल्थ डाटा पूरा शो कर देता है, ये रहा कितना आपने रन किया है, वर्कआउट हिस्ट्री में, वर्कआउट रिकॉर्ड्स में दिखाया था। स्पोर्ट्स मोड में आपको अप टू 9 स्पोर्ट्स मिलते हैं, वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, और इंडोर स्पिनिंग है, क्लाइंबिंग है, फुटबॉल है। इसको मैंने परफॉर्म किया है, तो नॉर्मली यहाँ पे 90% तक की एक्यूरेसी रहती है, तो एक्यूरेसी लेवल इसका बहुत अच्छा दिया गया है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। और यहाँ पे वॉकिंग पे करते हैं तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें दिखाया था, और ये रहा राइट, ये सब चीज़ें आपको इसमें दिखाता है। अब ये रहा, स्टॉप करने के लिए बटन को टैप करना है और फिर यहाँ पे इसको एंड कर देना है, तो ये हो गया राइट। अब गाइस होम पे जाने के लिए यहाँ पे वापस से आ चुका है, फिर से नीचे की साइड से हम स्वाइप करते हैं, यहाँ पे HR मॉनिटर है, और म्यूज़िक कंट्रोल है, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मिल जाता है, और वेदर नोटिफिकेशन है, शेड्यूल मिल जाता है, स्लीप मॉनिटर है, और नोटिफिकेशन एक्सेस है, स्टॉप वॉच मिल जाती है, टाइमर मिल जाता है, अलार्म मिल जाता है, कॉल, फाइंड माई फोन, वॉइस असिस्टेंट भी मिल जाता है, स्ट्रेस मॉनिटर है, कैमरा है, सेटिंग्स है, दैट्स इट। तो हम एक एक करके फंक्शंस को भी देख लेते हैं यहाँ पे आगे। तो यहाँ पे HR मॉनिटर को ओवर द एयर टेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो गाइस सेंसर देखो बंद है यहाँ पे, ऑन द एयर ये टेस्ट नहीं कर रहा है, तो अच्छी बात है। और यहाँ पे HR के बाद ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं, ये देख सकते हो अभी ऑन था बट अब बंद हो चुका है यहाँ पे सेंसर स्कैन करना, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे जो सेंसर है अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, ओवर द एयर स्कैन नहीं कर रहा है, और तो चीज़ें इसमें नहीं मिलती हैं,
मतलब ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन HR मॉनिटर में मिल जाता है। थोड़ी सी ब्राइटनेस कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो ये रही राइट। तो इस तरीके से मिल जाता है। अब गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे और चीज़ चेक करते हैं, जैसे कि वेदर नोटिफिकेशन है तो वेदर यहाँ पे शो नहीं करेगा जब तक आप पेयर नहीं करोगे। स्लीप मॉनिटर का यहाँ पे डाटा शो करता है और नोटिफिकेशन एक्सेस तो अभी दिखाएगा नहीं, तो कनेक्टेड नहीं है। स्टॉप वॉच का ऑप्शन इस तरीके से मिल जाता है राइट यहाँ पे, इससे पॉज करना है, इससे स्टॉप करना है। टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे इस तरीके से, ये रहा। और अलार्म आप यहाँ से नहीं लगा सकते, आपको एप्लीकेशन। तो गाइस ये अलार्म का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, अलार्म आप यहाँ से नहीं लगा सकते, एप्लीकेशन से ही आपको लगाना पड़ेगा। और कॉल में यहाँ पे तो प्रॉपर मिल जाता है, तो जब कनेक्ट करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा। फाइंड माय फ़ोन का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है, ये सारा उसी से होगा। स्ट्रेस मॉनिटर का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और आगे हम बात करें, यहाँ पे कैमरा है, कैमरा शटर मतलब, और दैट्स इट, यहाँ पे सेटिंग्स मिल जाते हैं। तो गाइस एक काम करते हैं, यहाँ पे HR मॉनिटर को एक बार ओवर द हैंड्स यहाँ पे चेक करते हैं। बट क्या कहते हो, पहले फ़ोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम चेक करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से ये रही एस एप्लीकेशन, तो एस एप्लीकेशन से यहाँ पे ये रिमूव हो चुकी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको इसको पेयर करना है, डिवाइस में जाना है। एक बार हम ब्लूटूथ को भी ऑन कर लेते हैं राइट, और लोकेशन भी आपको ऑन कर देनी है अपने फ़ोन में जब ये पेयर होगी। तो ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, ये फाइंड कर चुका है नॉइस फिट बज, तो हम इसको पेयर करेंगे। यहाँ पे वॉच में नोटिफिकेशन आएगा, आपको अलाउ कर देना है, अलाउ करने के बाद ये पेयर हो जाएगी राइट। तो ये पेयर हो चुकी है प्रॉपरली, और ये आपका रिमाइंडर है। तो थैंक यू सो मच फॉर द प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो गाइज़ ये पेयरिंग रिक्वेस्ट आई है यहाँ पे, इसको आपको अलाउ कर देना है। अगर आपका कॉल वाला नहीं चल रहा है तो यहाँ पे कॉल वाला ये पेयर हो जाएगा। ओके, पासकोड की इसने गलत बताई है, तो हम एक काम करते हैं, पेयर नहीं हो पाया कॉलिंग वाला, तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा कॉलिंग वाला आ रहा है, तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कॉल वाला फंक्शन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरी दो वॉच ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये रहा, ये बज़ वाला है कि बज़ का इसके लिए, और ये अल्ट्रा कॉलिंग जो आपका वाली है उसके लिए। तो इसको पेयर करते हैं, तो पेयर हो चुका है राइट। यहाँ पे भी डायलर का ऑप्शन आ चुका है, अब आप यहाँ पे डायल कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पे अब हम फीचर्स को देखते हैं सारे के सारे, यहाँ पे इस तरीके से मिल जाते हैं आपको। और इसके तो मैं फीचर्स आपको ऑलरेडी सारे बता चुका हूँ, बट यहाँ पे जो कॉलिंग फैसिलिटी है वो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे ओवरऑल। यहाँ पे हम एक बार कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, क्या इसकी साउंड क्वालिटी है। ये वापस फोन पे चला जाएगा, वापस इस पे आ चुका है। म्यूट भी कर सकते हो यहाँ से राइट, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है। और एक चीज़ और करके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हम एक बार कॉल करके देखेंगे दूसरे फ़ोन से। तो गाइस दूसरे फ़ोन से कॉल लगाने के बाद वॉच वाइब्रेट हो रही है। यहाँ पे कॉलिंग वाला मतलब जो रिंगटोन है वो आपको नहीं सुनाई देती है, तो यहाँ पे आप कट कर सकते हो और या यहाँ पे उठा सकते हो। अगर मैं उठाता हूँ यहाँ पे, हेलो हेलो हेलो, तो इस तरीके से आपको साउंड क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे प्रॉपरली मैं बैठा हूँ यहाँ पे, और इधर की साइड ही मतलब मेरे पास फ़ोन है, तो आ रही है सही वॉइस आ रही है राइट। तो इस तरीके से मिल जाता है। तो ये रहा, तो ये तो कॉल क्वालिटी हो गई आपको। अब गाइज हम एप्लीकेशन पे चलते हैं, ये रही। तो एप्लीकेशन में अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत ही सिंपल एंड स्वीट एप्लीकेशन है। यहाँ पे डायल पे जाते हो और यहाँ पे डायल पैड मिल जाता है, चेंज कर सकते हो। कस्टम डायल भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, एक बार कस्टम डायल लगा के देखते हैं। यहाँ पे इस पे टैप करना है आपको, बैकग्राउंड कोई भी सेलेक्ट करना है आपको। अब यहाँ पे कस्टम डायल का ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद राइट। तो यहाँ पे आप चूज़ ऑन कर सकते हो कैमरा, एल्बम, एल्बम पे चलते हैं हम। तो अपने फ़ोन से कोई भी पिक को लगा सकते हो, तो एक बार हम देख लेते हैं, ये वाली लगा लेते हैं राइट। तो इस वॉच इसको लगा लेते हैं, सिंक कर देते हैं। तो सिंक हो रही है गाइज, देख सकते हो आप, देख सकते हो वॉच फेस, और काफ़ी जल्दी यहाँ पे लग जाता है। और ब्राइटनेस लेवल थोड़े से कम करता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। तो यहाँ पे जो क्वालिटी है मतलब शार्पनेस है मतलब डिस्प्ले की, अमेजिंग लगी मेरे को डेफिनेटली।
अब गाइस बैक करते हैं यहाँ पे और चीज़ें चेक करते हैं यहाँ पे और बैक। यहाँ पे बहुत सारे वॉच डायल भी मिल जाते हैं और पर्टिकुलरली यहाँ पे 6 तो वॉच डायल मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे डायल के बाद पुश मैसेज है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके वॉच में शो करेगा, राइट। ये आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद ये देख सकते हो यहाँ पे, उसी के साथ साथ सिंक कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट को भी आप सिंक कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे ऐड करोगे और पर्टिकुलरली कुछ कॉन्टैक्ट को आप सिंक कर सकते हो, राइट। उसके साथ साथ अलार्म क्लॉक यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे लगाओगे तो आपके वॉच में शो करेगा। तो यहाँ पे ये लग चुका है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अलार्म में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे अलार्म में शो करेगा। ये देख सकते हो 12 बजे का, यहाँ पे ऑफ ऑन कर सकते हो बट लगा नहीं सकते। थोड़ा सा फ्लॉ है, देना चाहिए था लगाने का ऑप्शन वॉच में ही, तो ये नहीं मिलता आपको। और ये शॉक, ये आई डोंट नो यहाँ पे शॉक का ये मतलब क्या है। और यूनिट ऑफ मेज़र यहाँ पे मेट्रिक का रखा है। शेड्यूल यहाँ पे कोई भी शेड्यूल पुट कर सकते हो और यहाँ पे वॉच में देख सकते हो। फर्मवेयर अपग्रेड अभी तो कुछ है नहीं, ऑलरेडी अपडेटेड है दिखा रहा है। इनकमिंग कॉल मैंने ऑन कर रखी है इसको। एंटी लॉस्ट फीचर यहाँ पे ऑन कंफर्म कर सकते हो, तो यहाँ पे वॉच से एंटी लॉस्ट फीचर वर्क करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें फाइंड फोन हीरा, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। और सेडेंटरी रिमाइंडर आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से, राइट। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बैकलिट कितने टाइम तक ऑन रखनी है, तो 8 सेकंड तक हम मैक्सिमम कर देते हैं। कैमरा शटर बटन भी मिल जाता है यहाँ पे आपको, हीरा। और यहाँ पे एज अ शटर बटन यूज़ कर सकते हो, तो ये खिंच जाती है पिक, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाता है और दैट्स इट। यहाँ पे और ज़्यादा फीचर्स है नहीं और कुछ। तो यहाँ पे वेदर नोटिफिकेशन भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे वॉच में आ रहा है कि नहीं। एक बार वेदर कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे देखो वेदर भी शो कर रहा है, कितना अच्छा यहाँ पे एनिमेशन बनाया गया है, राइट। तो इस तरीके से मिल जाता है। तो गाइस एक काम और करते हैं यहाँ पे, वॉइस असिस्टेंट चेक करते हैं इसका। वॉइस असिस्टेंट बहुत सारे लोगों को इशू रहता है कि वॉइस असिस्टेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये ऑन हो गया, यस। हे गूगल, कैन यू टेल मी द वेदर? इट्स 36 विद हेज टुनाइट, द फोरकास्ट इज फॉर अ हाई ऑफ 35 एंड अ लो ऑफ 31 एंड क्लियर। दैट्स ग्रेट, इसमें अच्छी तरीके से बता रहा है। और यहाँ पे एज अ शटर स्पीकर भी यूज़ कर सकते हो आप, जैसे कि अगर आप सॉन्ग सुनते हो अपने फ़ोन में तो आप, तो गैस यहाँ पे एज अ शटर स्पीकर यूज़ नहीं हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे वॉच में आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो और यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट यहाँ पे यही है कि मतलब आप अपनी वॉच में सॉन्ग को नहीं सुन सकते, फ़ोन में सुन सकते हो, राइट। ये थोड़ा सा फ्लॉ लगा, देना चाहिए था वॉच में ऑप्शन। और फीचर्स तो और सारे तो सिमिलर ही हैं जो चीज़ मिलती है देखने के लिए, और इस तरीके से मिल जाता है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे और फीचर्स की, तो यहाँ पे और चीज़ देख लेते हैं। स्ट्रेस मॉनिटर जो है वो आपका कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको इसको पहनना है, तो पहन के आपको मैं भी दिखा देता हूँ किस तरीके से कैसे स्कैन करता है और कैसे यहाँ पे ये वर्क करता है। और एक बार यहाँ पे HR भी चेक कर लेंगे एक बार पहन के, राइट, ताकि एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे पता चल सके हमको। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है 71। और SPO2 को चेक करते हैं, नाइन शो कर रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटर चेक करते हैं, गाइज। एक चीज़ और बता दूँ आप सभी को, इसमें क्विक रिप्लाई का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नॉइस ने प्रॉमिस भी नहीं किया कि क्विक रिप्लाई का ऑप्शन इसमें ऐड करेगा कि नहीं करेगा, तो ये भी थोड़ा सा फ्लॉ लगा मेरे को, देना चाहिए था इसमें। और स्ट्रेस मॉनिटर थोड़ा लेट काम करता है मेरे को लग रहा है, सेंसर तो ग्रीन वाला बार बार ऑन हो रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है आई डोंट नो। गाइज में टाइम लग रहा है वैसे तो, और वैसे यहाँ पे जो सेंसर इसमें यूज़ करेंगे अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। एक बार मैं ओवर द सरफेस भी आपको करके दिखाया था इसको टेस्ट, ताकि आप लोगों को वो हो जाए। तो ऑन द सरफेस हम क्या रखें, घास पे तो रखेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं मैं एक बुक लेता हूँ ताकि तो यहाँ पे स्कैन करेगा कि नहीं करेगा एक बार चेक कर लेते हैं। गाइस का जो UI है बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब अमेजिंग लगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्मूथ चल रहा है।
तो गैस जैसा कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे बता नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सेंसर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और यहाँ पे SPO2 को जब करते हैं पर SPO2 यहाँ पे तो गैस इस बार देख सकते हो नहीं बता रहा, वो थोड़ा सा उठी हुई थी वॉच, शायद इस वजह से सेंसर बता दे रहा था, अब नहीं बता रहा है। तो अच्छी वॉच है डेफिनेटली, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है ओवरऑल, और डेफिनेटली यहाँ पे जो फीचर्स एंड फंक्शंस के साथ आती है मेरे को अमेजिंग लगा। देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रीमियम लग रही है वॉच, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे लग नहीं रही है इस प्राइस ब्रैकेट में, 3000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में ये आराम से 6-7 हज़ार रुपये की, 10 हज़ार की वॉच लग रही है, राइट। तो अगर आपको लुक्स के लिए वॉच चाहिए, कॉलिंग वॉच चाहिए, तो आप इसको डेफिनेटली टेक अ लुक कर सकते हो एक बार। तो गाइस एक चीज़ और करके दिखाता हूँ आप सभी को, कॉल क्वालिटी चेक कराया जाता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने फ़ोन बुक में ऐड कर रखा है नंबर, तो यहाँ पे एक ये नंबर है ऑलरेडी ऐड, तो इसको हम मिलाते हैं एक बार। तो यहाँ पे मिल चुका है, वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? हाँ। अच्छा ऐसा लग रहा है कोई नॉइस आ रहा है बाहर का या कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी और चीज़ से बात कर रहा हूँ? ओके ठीक है, हाँ तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पे जो कॉल क्वालिटी है आप देख सकते हो अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप सबने देखा मतलब रिव्यू में, आपको कैसा लगा? मेरे को ये वॉच फर्स्ट ग्लैंस में पसंद आ गई थी जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा स्क्रीन क्वालिटी, कॉलिंग वॉचेस में इसको कोई मैच नहीं कर सकता। थोड़ी सी हैवी है क्योंकि मेटल का डायल है, बेस पॉलीकार्बोनेट है और बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है। 10/10 देना चाहूँगा बिल्ड क्वालिटी में मैं इसको। और साथ में यहाँ पे और क्या मिलता है आपको, पीक ब्राइटनेस बेटर मिल जाती है, पिक्सल साइज बेटर मिल जाता है, और साथ में यहाँ पे जो लुक एंड फील है मतलब लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ये कौन सी वॉच आपने पहन रखी है, मतलब 10,000 रुपये से ऊपर की वॉच लग रही है तो 3,000 की, पर 10,000 से ऊपर की लग रही है। ब्राइटनेस लेवल देखो यार इसके, अच्छे खासे ब्राइट हो जाती है और पिक्सलेट नहीं होती पिक कोई भी, मतलब अपनी पिक को ऐसा वॉच के लगाओगे पिक्सलेट नहीं होने वाली कोई भी, तो ये बहुत अच्छा मेरे को फीचर लगा। और इसका जो बटन है वो क्राउन जो है वो वर्किंग नहीं है, बट ये मेटल का दिया गया है। डेडिकेटेड सेंसर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो इस तरीके से। तो एक्यूरेसी लेवल भी इसका अच्छा है, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है बट अच्छा है। इसका कंपैरिजन मैं जब लेके आऊँगा ना अल्ट्रा बस के साथ, तब आप देखिएगा एक्यूरेसी लेवल किसका बेटर है किसका कम है। और स्ट्रैप की क्वालिटी मेरे को ज़बरदस्त लगी, इवन अल्ट्रा बस से भी, बट वो कंपैरिजन में बताऊंगा मैं, इसमें नहीं बता रहा यहाँ पे। मतलब वॉच की क्वालिटी मैं अगर रिकमेंड करूँ तो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, बहुत सारे लोग इसको बाय कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, अच्छी वॉच है। बट ये कि थोड़ा सा डिस्कनेक्शन इशूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, कॉल क्वालिटी में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है नॉइज़ी एनवायरनमेंट में। और इसमें जो फीचर्स हैं मतलब हेल्थ मॉनिटरिंग वाले फीचर्स हैं, जो वॉकिंग है, रनिंग है, साइकिलिंग है, वो जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो 90% तक अच्छा काम करते हैं। और स्लीप मॉनिटर का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, एक शॉर्ट्स वाला वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा स्लीप मॉनिटर कैसे काम करता है। वेदर नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। AI वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन अच्छी तरीके से काम करता है, डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छा लगा इसमें। AI वॉइस मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट काम कर रहा है इसमें, तो डेफिनेटली अच्छी है वॉच, तो आप इसको ग्रैब ऑन कर सकते हो। और इसका कंपैरिजन बहुत जल्दी लेके आऊंगा मैं आप सभी के लिए, उस कंपैरिजन के लिए आप रुकिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में अपने टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।